हेलो स्टूडेंट्स, अब आपने जो भी मेरे लेक्चर देखते आ रहे हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, उसमें ये सब आखिरी का लेक्चर रहेगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, जहाँ पे आपका कुछ दिमाग नहीं चल पा रहा हो, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना आपको समझ नहीं रहा हो, अब ऐसे स्टेजेस पे कौन सी पैटर्न अप्लाई करना, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सिंपल, पहले इस ए को यहाँ पे लेके आओ। कोई रजिस्टर है क्या? नहीं, तो नेम चेंज नहीं होगा, एज इट इज उसे ए रखो। चलो अब इस ए को नीचे लाओ, अब इस ए को नीचे लाओ यहाँ तक। कुछ रजिस्टर्स है क्या? नहीं, इसे ए लिखो। ओके, अब इस ए को फिर से आगे लेके जाओ, यहाँ तक लेके आ जाओ। कोई रजिस्टर्स नहीं, इसलिए नाम क्या रखा मैंने? ए नाम रखा। चलो ठीक है, अब बी को देखो, बी को, बी को सीधा सीधा लेके आ जाओ यहाँ तक। कोई रजिस्टर नहीं है, इसलिए नाम चेंज नहीं होगा। ओके, अब जरा देखो, अब जैसे मैं नीचे जाने की कोशिश करूंगा बी को, बीच में रजिस्टर आ गया, नाम चेंज होना चाहिए, तो ए ऑलरेडी बैठा है वहां पे। ठीक है, ये साइड से देखो, यहां से बी तुम्हारा नीचे आएगा कुछ यहाँ पे। अब अगर बी जैसे ही यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, बीच में दो रजिस्टर आ गए। अब दोनों रजिस्टर किसमें? सीरीज में। सीरीज में दोनों रजिस्टर अगर है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ट्वाइस आर। अब इन दोनों के बीच में रजिस्टर होने के बाद नाम चेंज होना चाहिए, हो चुका है नाम चेंज। यहाँ पे भी दो रजिस्टर किसमें है तुम्हारे? सीरीज में, तो एक ही रजिस्टर लिख दूं क्या? हाँ, that is twice R। अब इसे प्लॉट करो, सिंपल, A और ये यहाँ पे क्या है? B। अब पहला रजिस्टर देखो, twice R किसके बीच में? A और B के बीच में, this is twice R। ओके, दूसरा रजिस्टर देखो, ये वाला रजिस्टर, ये किसके बीच में? A और B के बीच में। अब इसे पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं, ये हो गया आपका सेकंड रजिस्टर। थर्ड रजिस्टर देखो, ट्वाइस आर, ये भी ए और बी के बीच में, इसलिए इसे भी मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। ये आल्सो ट्वाइस आर। अब ये होता ट्वाइस आर और ट्वाइस आर, इसमें पैरेलल में, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा? आर। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको। अब ये R और ये वाला R किसमें? पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा स्टूडेंट? सिंपल, दिस इज R बाय 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज R बाय 2। चलो इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक सेकंड, ये पांचों रजिस्टर्स आपको 1-1 ओम के दिए गए हैं। ठीक है, 1-1 ओम के दिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे तीन, और देन आखिरी के दो, कुछ इस तरीके से सर्किट दिया गया है। आप कोशिश करो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, अब जरा देखो, मेरी जो मेथड थी वही मेथड अप्लाई करो आप। यहां से ए से यहाँ पे आ जाओ। कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं, इसलिए ए लिखो। ए को नीचे लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा फास्ट लेता हूं मैं, यहां से आगे लेके जाओ ए को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रेजिस्टर नहीं है बीच में। चलो अब ए को ऊपर लेके जाओ आप, यहाँ पे लेके आओ ए को, कोई दिक्कत नहीं, सर रजिस्टर नहीं है इसलिए मैं ए को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। चलो ठीक है, बी को देखो, बी को, बी को पहले यहाँ पे ले लो बी, उसके बाद उसे नीचे ले लो यहाँ पे लाओ, और फिर डायरेक्टली यहाँ पे लाओ, नो चेंज। ठीक है, अब जरा देखो, अब अगर मैं ए को ये वाले साइड में लेके जाऊं तो रेजिस्टेंस आ गया, नाम चेंज होना चाहिए, बी हो गया। चलो ये सही है। अब जरा देखो, बी को अगर मैं ये वाले साइड में लेके जाऊं तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे ए आ ही नहीं रहा, तो हमें थर्ड वेरिएबल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होता है, और उसे मैं कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस करता हूँ सी। अब जरा देखो, सी को मैं ऊपर लेके जाऊं यहाँ पे सी, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ यहाँ तक, कोई रेजिस्टेंस नहीं इसलिए सी, और उसको नीचे लेके आ जाता हूं मैं, ये भी सी। अब हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारा। अब इसमें तुम्हारे तीन वेरिएबल है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, ए को यहाँ पे लिखो, बी को यहाँ पे लिखो, अब सी वेरिएबल को ऊपर लिख दो। ठीक है, अब सिंपल, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कौन सा है तुम्हारा? वन। तो इसे देखो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? वन। ठीक है, उसके बाद में ये रेजिस्टर देखो, ये वाला, ये किसके बीच में? अगेन सी और ए के बीच में, तो इसे पैरेलल में डालो, इसे किस में डालो? पैरेलल, ए और सी के बीच में पैरेलल डालो। ठीक है, अब ये वाला रजिस्टर देखो 1 ओम का, ये किस में है? उसके बाद का 1 ओम का रजिस्टर देखो, ये वाला,
ये ए और बी के बीच में है। देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ए और बी यहाँ पे है, ए और बी यहाँ पे है, ऐसे लिखता हूँ वन ओम का रेजिस्टेंस। अब जरा देखो बी और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, वन ओम। देखो बी और सी के बीच में कितना है, वन। और आखिरी वाला रेजिस्टेंस देखो ये किसके बीच में, बी और सी के बीच में अगेन। तो बी और सी के बीच में, तो इसे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ पैरेलल में, चलेगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब वन और वन किसमें है, पैरेलल में। यहाँ पे वन और वन किसमें है, पैरेलल में। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या, 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, 0.5। सिंपल लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 0.5, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 0.5। अब सिंपल पॉइंट सी को हटा दो, 0.5 और 0.5 किसमें आ गए रे, सीरीज में आ गए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1। ये कितना हो जाएगा, 1। तो इससे कुछ मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ 1। अब ये 1 और ये 1 किसमें, पैरेलल में। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, फाइनल आर ए बी क्या हो जाएगा रे, 1/2। फाइनल आर ए बी क्या हो जाएगा, 1/2। तो होप मेरे सारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने में। इनकेस आपको कोई वीडियो या कोई क्वेश्चन टफ लगता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, मुझे सेंड कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।